टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाहती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। आज के न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हम जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के फरोग की खबरों से करते हैं। इस सिलसिला में सबसे अहम खबर कश्मीर के उमरान मलिक की है, जिन्हें टीम इंडिया में सिलेक्ट कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उमरान मलिक से मुलाकात की और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि सरकार उनकी ट्रेनिंग के तमाम इंतजामात करेगी। और इसके खेल की ट्रेनिंग से संबंधित और बाकी जो सुविधाएं होंगी वो जम्मू कश्मीर प्रशासन उसकी चिंता करेगा। खेल पॉलिसी के तहत सर उमरान मलिक जो पॉलिसी के तहत इनको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेगा? ऑलरेडी स्पोर्ट्स पॉलिसी में इसका प्रोविजन है और जब ये चाहेगा मुझे लगता है कि इसको अवसर जम्मू कश्मीर सरकार देगी। बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर में लड़कियों की क्रिकेट टीम की सरगर्मियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने लड़कियों की ट्रेनिंग और सिलेक्शन के लिए कैंप का इंतजाम किया है, जिसमें खाने पीने की सहूलत से ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा कोचेस की ट्रेनिंग भी शामिल है। डोमेस्टिक सीज़न बहुत सालों के बाद यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर हम गए। ये डोमेस्टिक जो हमने सीज़न स्टार्ट किया इसमें हमने कश्मीर, जम्मू और लद्दाख को चार डिवीज़न में किया है हमने, जैसे साउथ फर्स्ट, नॉर्थ, सेंट्रल कश्मीर और लद्दाख। तो पहले हमने ट्रायल्स ली हर एक जोन में, तो वहाँ से हमने लड़कियों को निकाला। जो आप देख रहे हो मेरे पीछे ये सिलेक्टेड लड़कियाँ हैं, ये 5 टीमों में हमने इनको सिलेक्ट किया है। Pleasant to be a part of this association and I am very very happy to be a part of it and it is very good for the females. They are uprising. There is a very much scope of cricket in Kashmir and there is very much broad spectrum for cricket in Kashmir. Yeah.
जम्मू कश्मीर से इस साल हज पर 5,000 से ज्यादा लोग जाने की तैयारियां कर रहे हैं। इस जिम्न में उनकी ट्रेनिंग के लिए श्रीनगर में एक कैंप का इंतमाम किया गया, जिसमें उनको वीजा, सऊदी इमिग्रेशन के अमल से गुजरने, करेंसी को तब्दील करवाने और हज के दौरान रिहायशी सहूलतों के बारे में मालूमात फराहम की जाएंगी। जो तरबियत का जो शुरू किया है ट्रेनिंग तमाम डिस्ट्रिक्स में यहाँ पर, तो आज ही शुरू हो गया। श्रीनगर में भी इस वक्त चल रही है। इस वक्त सारे तकरीबन 370 के करीब इस वक्त आज़मीन हज उनको इस वक्त तरबियत दी जा रही है। आज यहाँ पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, चल रहा है इस वक्त। इसमें हमें सब कुछ सिखाया जा रहा है, मदीना शरीफ में कैसे जाना है, अहराम बांधने का तरीका, जहाज़ में चढ़ने का तरीका हमें सिखाया जा रहा है। सब कुछ यहाँ पर, क्या हमें साथ क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या चीज़ें ममनू है और क्या चीज़ें ठीक है, सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमें सिखाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट में नौजवानों को रोजगार फराहम करने की गर्ज से मुमकिन स्कीम के तहत खिदमात फराहम की जा रही हैं। 18 से 35 साल के नौजवानों को सस्ती कीमत पर हुकूमत गाड़ियां भी फराहम कर रही है और उनको ट्रेनिंग भी दे रही है, ताकि वो जॉब मार्केट में अपना हिस्सा डाल सकें। खासकर वो यूथ है जो पहले निगलेक्टेड था, जिसको ऐसे स्कीम्स के अंदर कोई लाभ नहीं मिलता था, या बहुत सारी पहले स्कीम्स थी जिनमें ये ऐसे वाले जो बेनिफिशरीज थे वो हमारे कवर नहीं होते थे। जैसे अभी आपने देखा है कि इसमें सारे बेनिफिशरी जो हैं वो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर जो हैं वो एलिजिबल हैं। तो अगर किसी के पास जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो ड्राइवर को या लाइसेंस को हायर भी कर सकता है कि वो अपनी व्हीकल चलाने के लिए। तो ये जो एक ओवरऑल कम्प्रीहेंसिव स्कीम है, जिससे एक कॉन्फिडेंस आता है कि जैसे वो पहले किसी की गाड़ी चलाता था या किराए की गाड़ी चलाता था तो उसको दिन में जो है डेली वेज पे या दिहाड़ी पे कितना मिलता था वो ये होता था। आज की डेट में वो अपने आप में एक जो है वो गाड़ी लेके एक एसेट, जो एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो सोसाइटी में जो है अपने लिए और भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी ग्रैब कर सकता है।
मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे दोस्त एलएस प्रोवाइड कर रही है गाड़ी, खासकर यूथ के लिए सबसे बेटर, क्योंकि यहाँ पे मतलब यहाँ पे गुजारा उतना नहीं है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ही है, तो यूथ इस यूथ के लिए बहुत अच्छी स्कीम है यहाँ पे। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ी कल्चर फेस्टिवल मुनक्किद हुआ। इसका अहतमाम जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने बारामूला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म ने किया। इस फेस्टिवल में फोक डांसेस, मौसीकी और दीगर फनून का मुजाहरा हुआ। हमारा कल्चर है, इसी तरीके से जो हमारे डिफरेंट गीत संगीत या खाने पीने की चीज़ें हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए एक स्कीम जो है वो बनाई गई है। उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट एक स्टेक होल्डर है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें खासतौर से हमारा फोकस है फेस्टिवल टूरिज्म पे, जिसमें हम लोगों ने 2021 में अगर आप देखेंगे, हमने जो है वो सूफी फेस्टिवल किया, हमने इसी तरीके से हाउसबोट फेस्टिवल किया, या और भी हमने काफ़ी सारे फेस्टिवल्स किए, मुशायरे किए। बुनियादी मकसद यह है कि जो इस वक्त प्रायोरिटी एरियाज हैं वो हैं जहाँ पे फेस्टिवल टूरिज्म का इनिशिएटिव, इसको आगे बढ़ाना है। म्यूज़िक जो है एक ओवरऑल जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो हमेशा हर चीज़ की प्रमोशन में बहुत हेल्प करती है, चाहे वो किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, कल्चर हो, हर चीज़, इवन एजुकेशन को भी प्रमोट करने के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो म्यूज़िकल इवेंट्स करवाना ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।